हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 10 रुपये के रुमाल से कान्हा जी की ड्रेस बनाने का तरीका। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। और ये कान्हा जी की ड्रेस मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, कि आप लोग हल्की विंटर्स के लिए कान्हा जी की ड्रेसेस बना सकते हो, जो कि सिर्फ 10 या 15 रुपये में आप मार्केट से जो रुमाल खरीदते हो ये सॉफ्ट वाले, उससे आप इजीली बना लोगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा ही पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद बेल बटन, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, मैंने लिया है एक सॉफ्ट हैंकी जो कि कुछ इस तरह से है, देखिए। और इसकी लेंथ और चौड़ाई मैं बताऊँ तो ये 9.5 इंच देखिए इधर से है और इधर से भी इतना ही है लगभग, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, कोई भी एक साइड ले लीजिए आप, कोई भी एक साइड, इसको हमें करना है फोल्ड। और फोल्ड किस तरह से करना है हमें, है ना, कोई भी एक साइड आप ले लीजिए और इसको हमें फोल्ड करना है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी फोल्ड करने के बाद हमें करना क्या, देखिए इसे कोने से कोना ऐसे मिलाते हुए ना इस तरह से फोल्ड करना है। और उसके बाद हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर 3.5 इंची पर निशान लगाना है, जो कि मैंने ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 3.5 इंची पे एक निशान लगाना है, क्योंकि इस पर मिल्टन चौक चलती नहीं है ना, तो इसलिए मैंने पेन से निशान लगाया है। और उसके बाद यहाँ पर 1 इंची इस तरह से लेना है, यहाँ पर 1 इंची लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक सीधा मार्क करना है, इसे सीधा लगाना है और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कॉर्नर देते हुए इसे कट कर लेना है ना, थोड़ी सी शेप देते हुए। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से करेंगे, ये देखिए ना, ये देखिए इस तरह से करके, यहाँ पे हमें शेप देते हुए इसे कट कर लेना है। और कट करने के बाद देखिए इसकी जो शेप है कुछ इस तरह से आ रही है ये, और जो हैंकी है हमारा, हैंकी में इसे देखिए कुछ इस तरह से निकला हुआ है। तो अभी हमें ना यहाँ पर ये जो नोक निकली हुई है पान शेप की, हमें इसे कट कर देना है, हमें ये वाली शेप नहीं चाहिए ना, हमें इसे कट करके निकाल देना है ना। और अभी हमें क्या करना है, हमें इसे करना है यहाँ से लॉक। तो लॉक कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, लॉक करने के लिए हमने लिया है टिश्यू रिबन, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, ये वाला रिबन जो होता है साटन रिबन। इसको हमें आगे से थोड़ा सा फोल्ड करना है और उसके बाद इसको यहाँ पर लगाकर सुई धागे की हेल्प से लॉक करना है। आप चाहे तो मशीन भी चला सकते हो, बट मैं यहाँ पर सुई धागा ही यूज करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के पास सिलाई मशीन भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मतलब वो ड्रेसेस बनाने का सोचते हैं तो उनको यही प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास सिलाई मशीन नहीं है तो हम ड्रेस कैसे बनाएं, है ना। तो इसीलिए मैं ये अपलोड कर रही थी आज सुई धागे से बिना सिलाई मशीन के, है ना। तो ये चीज़ है, तो ये देखिए इस तरह से करके ना हमें छोटे छोटे टांके लगाते हुए इसको लॉक कर लेना है, है ना। स्टार्टिंग में 2-3 बार टांके लगा दे ताकि हमारी सिलाई निकले ना। तो मैं इसे लॉक कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने स्टिच कर लिया है यहाँ पर, है ना। और ये हमारा ऐसा कुछ लग रहा है इस तरह से, तो इधर से हमारा सीधा है और इस साइड से उल्टा है ना। अभी हमें बनानी है हुडी, तो हुडी कैसे बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, अभी हमें हुडी जो बनानी है, हुडी बनाने के लिए क्या करना है, जो हमारा रुमाल है जो हमने लिया था, इधर से लिया था हमने पहले, अब हम इधर से लेंगे और इस साइड से हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, है ना। और फोल्ड करने के बाद दोनों कोने एक तरह से मिला देंगे एक दूसरे से, और उसके बाद हमें लगानी है यहाँ पर सिलाई, वो कटिंग करनी है। तो कटिंग करने से पहले हम यहाँ पर लगाएंगे 2 इंची पर निशान, एक यहाँ पर 2 इंची और यहाँ पर भी 2 इंची पर निशान लगा लेंगे। मैंने ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, और इस पर मिल्टन चौक नहीं चलती है तो पेन से ही मैंने निशान लगाया था। हाँ, तो अभी हम यहाँ पर करेंगे कटिंग, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमने कटिंग कर ली है,
अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करते हुए, इधर ये सीधा है और इधर की तरफ ये उल्टा है, जो उल्टी साइड है इधर से ऐसे करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा हमें स्टिच कर लेना है, सिल लेना है, ताकि हमारी जो हुडी है वो अच्छे से कान्हा जी के सर पे फिट हो जाए, है ना। इस तरह से ये देखिए थोड़ा सा इसे स्टिच कर लें सुई धागे की हेल्प से, ताकि हमारी हुडी अच्छे से कान्हा जी के सर पे फिट हो जाए। ये हमें स्टिच कर ली है और यहाँ पर देखिए ये कुछ ऐसा आ जाए, है ना, ये ऐसा आ जाएगा। और अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर हमें बनानी है प्लेट्स। तो प्लेट्स कैसे बनानी है, जैसे यहाँ पर ये बीचों बीच है ना, एक प्लेट्स हमें इस साइड में बनानी है और एक प्लेट्स हमें इस साइड में बनानी है, हमें दो प्लेट्स बनानी है ना। तो उसको करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ना सुई लगा देती हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर कोई आलपिन भी लगा सकते हो, है ना। मेरे पास अभी आलपिन अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर सुई से अटैच कर दे रही हूँ, ताकि हमारा यहाँ पर फिक्स हो जाए। और यहाँ पर ये जो कॉर्नर निकले हुए हैं, देखिए ये कुछ ऐसा लग रहा है, अभी जो हमारे कॉर्नर निकले हुए हैं इनको हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे इस तरह से कटिंग, तो ये हमारा हो गया है, ये देखिए। अभी हमें क्या करना है, इसको अपनी हुडी जो है, हुडी को हमने रखना है ऐसे, इस तरह से रखना है। और इसके बाद जैसे यहाँ पर बीचों बीच है ना, ये जो मिड में है इसके बीच में रखना है हमें, सेंटर में यहाँ पर जो हमने ये प्लेट्स डाली थी, ताकि बीचों बीच आए इस तरह से, है ना। और यहाँ पर रखते हुए इसको स्टिच कर लेना है सुई धागे से। तो मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ और फिर सुई भी निकल जाएगी पीछे से हमारी, जो हमारी सुई लगी हुई है, और ये प्लेट्स सिल जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब स्टार्टिंग में आप सिलते हो ना, तो यहाँ पर दो तीन टांके पक्के कर दी, ताकि ये ना अच्छे से स्टिच हो जाए और खुले ना सिलाई हमारी, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब भी आप स्टिच करते हैं, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में दो चार टांके एक्स्ट्रा लगा दिया तो हमारी ये सिलाई खुलेगी नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने इसको सिल लिया है अच्छे से, और यहाँ पर मैं अभी इसे लॉक कर देती हूँ अच्छे से सुई धागे की हेल्प से, और इसको कट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारी हुडी हो गई है तैयार। अभी मैं बाद में ना इसको आपको पकड़ दिखाऊंगी कान्हा जी को, है ना। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारा सर पे इस तरह से, तो ये और भी सुंदर लुक आएगा इसका पहनाने के बाद। तो अभी हम इसके नीचे का भी बना लेते हैं। तो नीचे का कैसे बनाते हैं, तो नीचे का घेरा बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हमने ये लिया है हैंकी, और इधर से देखिए इधर से भी लॉक है, इधर से भी लॉक है, तो हमें इसको इस तरह से करना है फोल्ड ना। और फोल्ड करने के बाद हमें करनी है इस पर मार्किंग। तो मार्किंग यहाँ पर मैं 2 इंची करूँगी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बड़ा घेरा नहीं चाहिए, सिर्फ 2 इंची का घेरा काफ़ी रहेगा, क्योंकि मैं एक नंबर के कान्हा जी के लिए इसे बना रही हूँ, सिर्फ एक नंबर के कान्हा जी के लिए। अगर आप इसे बड़ी ड्रेस बनाते हैं तो ये घेरा आप थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं, है ना। ये ड्रेस वैसे आप 1 नंबर 2 नंबर और 0 नंबर और 3 नंबर सभी साइजेस में आप तीनों में मतलब पहना सकते हैं। अगर 3 नंबर के कान्हा जी के आप बना रहे हैं, तो इसे घेरे को आप 2.5 इंची रखें, ताकि थोड़ा सा ना लेंथ में कान्हा जी की हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है 3 नंबर में, बाकी सेम पैटर्न रहेगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है, और कट करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। और देखिए 3 साइड से हमारा पहले से ही लॉक है ऑलरेडी, तो हमें एक साइड से इसे रिबन की हेल्प से लॉक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे लॉक कैसे करना है आपको रिबन से, जो हमारा साटन रिबन है इसको हमें थोड़ा सा फोल्ड करना है इस तरह से, और फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ पर लगा कर इस तरह से रखना है, और इसको इस तरह से सुई धागे की हेल्प से लॉक करना है।
ये देखिए, ये देखिए इस तरह से आपको लॉक करना है ना, तो आप इस तरह से इसे लॉक कर सकते हैं। और इसको ना छोटे छोटे टांकों से, छोटे छोटे टांकी लगाएं यहाँ पे, और उसके बाद इसे अपलोड करें, मतलब इसे लॉक करें इस तरह से। चलिए मैं फटाफट इसे लॉक कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने लॉक कर लिया है, ये देखिए दोनों तरफ से। और अभी हमें करना क्या है, हमें इसकी ना प्लेट्स डालनी है, मतलब इस तरह से सुई में धागा लेके, जो ऊपर की साइड से हमारा लॉक है पहले से ही, यहाँ पर हमें इस तरह से छोटी छोटी ना टांके लगाने हैं। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे टांके लगाने हैं जाता है। और ये देखिए मेरी प्लेट्स भर चुकी हैं। और अभी इसकी जो कमर की हमें लेंथ रखनी है ना, कमर की लेंथ हमें रखनी है 3.5 इंच। तो यहाँ से आप मेजरमेंट कर लें कि आपकी जो ये कमर है, कमर 3.5 इंच होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे इतना रखें आप कमर, सिर्फ 3.5 इंच ही बैठे आपकी, क्योंकि हम 1 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। और अगर आप इससे बड़े कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आप उसमें बड़ी कमर रख सकते हो। ये देखिए 3.5 इंच ही बैठ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें इसे लॉक कर देना है ताकि हमारी प्लेट्स इधर उधर ना जाएं सरक के, हाँ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें इसको लॉक कर देना है, ठीक है। और अभी हमें इसमें बांधने के लिए दोनों साइड में रिबन भी अटैच करना है। तो ये देखिए मैंने रिबन ले लिया है, तो रिबन हम थोड़ा सा बड़ा ही साइज में लेंगे दोनों साइड से, ताकि हमें बांधने में इजी रहे, कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो ना। तो आप चाहे तो इतना रख सकते हैं, इतना काफ़ी रहेगा, दोनों साइड से इतना इतना रिबन ले सकते हैं। तो इसको हमें कैसे बांधना है ये देख लीजिए, इसको हमें इस तरह से लगाना है अपनी ड्रेस पे यहाँ पर, और यहाँ पर सुई धागे की हेल्प से इसे अच्छे से सिल देना है। यहाँ पर मैंने रिबन लगा ली है, और अभी मैं ये ड्रेस आपको पहनाकर भी दिखा देती हूँ लड्डू गोपाल जी को। तो ये है मेरे 1 नंबर के कान्हा जी, ये देखिए, ठीक है। और इनको हम इस तरह से पहनाएंगे, ये देखिए इस तरह से आएगी ड्रेस इनकी। हुडी थोड़ी सी बड़ी है ये, और आप इसे 2 नंबर 3 नंबर के कान्हा जी को आराम से पहना सकते हो। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये हुडी थोड़ी सी बड़ी है, तो हुडी को ठीक करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें ना थोड़ी सी यहाँ पर प्लेट्स डाल दी। प्लेट्स डालने के लिए मतलब सुई में धागा पिरा के यहाँ पर मैंने इस तरह से इसमें स्टिच कर दिया बारीक बारीक टाँके, और उसको थोड़ा सा खींच दिया, तो ये एकदम छोटी कैप बन गई है, मतलब छोटी हुडी हो गई है। अगर आप 3 नंबर के कान्हा जी को इसमें पहनाएंगे ड्रेस को, तो बिल्कुल परफेक्ट होगी। और अगर आप इसे 1 नंबर के कान्हा जी को पहना रहे हो, तो ये हुडी थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाँके लगाने होंगे, कोई बाकी और कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी इसमें। तो ये देखिए मैंने इसको पहना कर दिखा रही हूँ इस तरह से यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से आ जाएगा ये, है ना। पूरा हमारे हाथ वगैरह सब कुछ कवर हो गए कान्हा जी के, और ये देखिए हुडी ना अच्छे से आ गई है अब, है ना। पहले जो था, पहले थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा लग रहा था, लेकिन अभी इसको हम पहनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा साइज, है ना। तो ये देखिए मैं आपको पहना कर भी दिखा रही हूँ। होता है कभी कभी ना, जैसे मेरे पास तो कान्हा जी नहीं है 2 नंबर के 3 नंबर के, अगर होते तो मैं आपको वो भी डाल के दिखा देती पहना के, है ना। तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है साइज को लेके, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे 3 नंबर के कान्हा जी को पहनाएंगे तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आएगी, ये देखिए ना। तो हमारे कान्हा जी पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं हल्की सी विंटर्स के लिए, और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।